हाई गाइज दिस इज मोहम्मद इन यूर करियर एंड एवर लास्टिंग है आज भी हम गेम प्ले लेकर आए है जिसके अंदर हमने पांच गेम खेले है काफी अच्छा गेम प्ले है इंटरेस्टिंग गेम प्ले है ध्यान से देखना एंड पूरा वीडियो देखना गाइज प्लीज एंड लाइक एंड कॉमेंट्स करना इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर जो हमने टेन कैरम पासिस रखे थे उसके वीनर्स अनाउस किए जाए जाएंगे गेम स्टार्ट करने से पहले बता दूँ हमारा एक फेसबुक ग्रुप है कैरम लवर्स एंड पबजी वॉरियर्स मोहम्मद हवाई गेमिंग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लैश ऑफ लेजेंड सीजन फोर इन कोलेबोरेशन विद मिनी क्लिप इज़ कमिंग वेरी सून सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द गेम प्ले गाइज पाँच गेम हैं ध्यान से देखना एंड प्लीज़ स्टार्ट टू एंड देखना बिकॉज बहुत सारे शॉट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड सीखने वाले हैं पहला गेम कनेक्ट करते हैं जो कनेक्ट हुआ है सिंगापुर में एंड अपोनेंट इज सुशील ये ब्रेक टू फिनिश देखना गाइस लेफ्ट साइड से ब्रेक मारी है हमने राइट की पक पॉकेट हो चुकी है लेफ्ट की पक को सिंपल खेलेंगे उसके बाद राइट की पक को सिंपल खेलेंगे एंड देन जो हमारा फेवरेट शॉट है इस पक को क्रॉस मारना पड़ता है ये मारेंगे ये पॉकेट हो चुकी है पोजीशन देखिए कितनी डिफिकल्ट है एक भी पक खेलने का रास्ता नहीं है बट हम क्या करेंगे प्रेस शॉट मारेंगे अपोनेंट की पक को मार के हम हमारी पक खेलेंगे ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल शॉट है अब क्वीन को स्ट्रेट मार के पूरी पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे पोजीशन जो है वो क्लियर हो चुकी है सो so, गेम देखने के लिए बहुत हार्ड लगता है लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो सारे के सारे गेम्स आप प्रॉपरली फिनिश मार सकते हैं बिकॉज प्लानिंग एंड पक सिलेक्शन एंड पक का यूटिलाइजेशन जो मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज एक पक खेलनी है उसके बाद एक पक बची है लास्ट एंड ये गेम देख जा चुके हैं भाई एक एक गेम पूरा हो चुका है होप यू हैव लाइक दिस सेकेंड गेम कनेक्ट करते हैं। जो कनेक्ट हुआ है सिंगापुर में अपोनेंट इज वन टू नाइन सिक्स जीरो टू ब्रेक उनकी है रिवर्स ब्रेक उन्होंने खींची है जो हिट हो चुकी है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस क्लैश ऑफ लेजेंड्स इस बार बहुत धमाकेदार आने वाला है प्लानिंग चल रही है बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी मिल रहे हैं सो इट्स गेटिंग लेट बट बहुत जल्दी उसका ऐड आएगा प्लेयर सिलेक्शन होगा एंड मेनी मोर थिंग्स विल बी डन वेरी सून चैनल को शेयर करो भाई के चैनल को हंड्रेड के जल्दी से जल्दी पहुँचा दो इसके बाद वाली वीडियो में ट्रेन कैरम पासिस के जो विनियर्स वो अनाउंस किए जाएंगे ये तो पता ही नहीं चलता ये लोग आजकल कौन सा शॉट और कैसे मारते हैं बट ठीक है एवरीबडी हैज़ राइस टू डू हिज ओन थिंग्स किसी को फेयर पसंद है किसी को ऐसे खेलना पसंद है जबकि ऐसे खेलने में बिल्कुल फन नहीं है एंड इट्स वेरी यूजलेस सो रियल गेम जो है वही खेलना चाहिए देखिए अभी ये ऑलमोस्ट फंस चुके हैं इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें बट फेयर गेम प्ले के अंदर बहुत अगर पक्का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं स्टिल ही इज वेरी मच कन्फ्यूज क्वीन खेल ली उन्होंने अभी भी उनकी पोजीशन टफ है स्टाइल में मार रहे इस पक को वो और ये पख इनकी फ़ेल हो चुकी है टर्न हमारा आ चुका है हमें फिनिश मारना पड़ेगा पोजीशन बहुत इजी नहीं है एक पक सामने बिल्कुल फ्रेम पे है एक राइट हैंड पे जो पक है कनेक्शन में वो भी है। देखिए अभी हमारी प्लानिंग कैसी है उस पक को हमने उठाया इस पक को मार के अभी हम सिंपल क्वीन खेलेंगे पहले उसके बाद अभी देखिए आप हम ये दो पक को पहले खेल लेंगे एंड पहले हम दूर वाली पक को फास्ट खेल के बॉम्ब बना के राइट में जो दो पक है उसको फ्री करेंगे जो फ्री हो चुकी है ये होता है पक का यूटिलाइजेशन एंड प्लानिंग जिसकी वजह से आप सारे बोर्ड बहुत इजीली फिनिश कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पक का सिलेक्शन करना एंड उसका प्रॉपर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना अब इस पक को दूर से कट मारेंगे वो पग भी हमारी बाहर आ जाएगी तो ये बोर्ड देखने में बहुत मुश्किल दिखते हैं फेयर गेम प्ले में तो लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं करते बट फेयर गेम प्ले इज़ दी बेस्ट वे टू विन द अपोनेंट दो गेम पूरे हो चुके हैं थर्ड गेम कनेक्ट करते हैं जो न्यू यॉर्क में कनेक्ट हुआ एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज़ ऑन अपोनेंट इज आशिक ब्रेक टू फिनिश देखिए इज़ मज़ा आ जाएगा आपको राइट right साइड से ब्रेक करेंगे लेफ्ट की पक हिट हो चुकी है अब देखिए इस पक को फिर से हम प्रेस शॉट मारेंगे राइट वाली पक को अपोनेंट के पूरे बंच को दबा के हमने ये पक को मारा है बहुत जजमेंटल शॉट है ये एम कैरम्भ में भी लोग नहीं मार पाते हैं इस पक को फास्ट मार के बंच को रिलीज करेंगे अभी हमारी पोजीशन बहुत डिफिकल्ट है समझ में नहीं आ रही है बट पहले हम ये जो लेफ़्ट साइड की पक है सिंपल इसको खेल लेते हैं एंड स्क्रीन को ब्रश मारने का सोच रहा हूँ मैं लेफ़्ट पॉकेट में बट वो जानी थोड़ी मुश्किल है सो व्हाट वी विल डू नाउ इज जो हमारी हैंड पे राइट साइड पर पक है इसको बॉम्ब बनाते फास्ट वीडियो अपलोड करना बिल्कुल करेंगे भाई अब देखिए पोजीशन फिर भी बहुत क्लियर नहीं है लेकिन हम कैसे फिनिश मारेंगे क्वीन का कनेक्शन हमने बना दिया है इस पक को क्रॉस फास्ट खेलेंगे जो पक लेफ़्ट साइड पे फंसी हुई उसको फ्री करेंगे ये पग बाहर आ चुकी है भाई प्लीज़ बोल रहे हैं भाई यस वीडियो चालू है एंड अपलोड भी हो चुका है आप देख लीजिए अब इस पग को खेल के उस पग को बाहर उठाने की कोशिश करेंगे बस हमारा काम हो चुका है इसको बोलते हैं पग का यूटिलाइजेशन एंड इसको बोलते हैं प्लानिंग ये भी हमारा ब्रेक टू तो फिनिश बहुत गजब था एंड uh, तीन गेम जो है वो पूरे हो चुके हैं एंड तक देखना इस गेम को मिस नहीं करना फोर्थ गेम कनेक्ट करते हैं जो कनेक्ट हुआ सिंगापुर में अपोनेंट किस्मत ब्रेक उनकी है हिट हो चुकी है एक पक हमारे फ्रेम पे आके चिपक चुकी है उस पर हम चांस काउंट कर सकते हैं बिकॉज ये लोग कुछ भी कभी भी मार सकते हैं इनकी अभी इन्होंने बॉम्ब मार के हमारी Hand वाली पग भी उठ चुकी है फिर से इन्होंने अच्छा कनेक्शन बनाया जो इनको प्रीपेड प्रीपेड सिम कार्ड होता है ना ऐसे इनको प्रीपेड पूरा प्री प्लान्ड रख के आता है एंड देन फिर ये इसको बस हिट करते हैं सब लोग यही करते हैं हमारी वर्ल्ड आई डी भी ऐसी ही चलती है बट आई डोंट फाइंड के देर इज एनी फन इन प्लेइंग अ गेम दिस वे बिकॉज़ फिर तुमको गेम का मज़ाक कैसे आएगा राइट अभी इनकी चार पग बची है ये कनेक्शन बनाने गए जबकि ये ऊपर वाली पग से नीचे वाली पक को फ्री कर सकते थे हमारा टर्न आ चुका है लेफ्ट uh, की पक हमने खेली है फास्ट एंड uh, एक जो नीचे पक थी उसको हमने फ्री किया ऊपर लाया अभी जो है हम इसको पहले बीच वाली पक को खेलेंगे एंड देन इस पक को भी खेल लेते हैं बोर्ड बिल्कुल सिंपल है बट फिनिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंगापोर्ड क्वीन ब्रश चली गई राइट right वाली पक हमने मारी थी अब ये खेल के जो हमारी हैंड है चिपकी हुई इसको स्लो से खेलना पड़ता है बहुत एंड uh, ये पॉकेट हो चुकी है अभी एक थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन बनाना है ये क्रॉस ये क्रॉस कनेक्शन बनाने पर हमारे चार गेम जो है वो पूरे हो जाएंगे अब जो है वो इस वीडियो का लास्ट एंड फिफ्थ गेम कनेक्ट करते हैं सिंगापुर में कनेक्ट हुआ अपोनेंट एट किंग ये ब्रेक टू फिनिश भी देखना इसीलिए मैंने पहले से बोला है कि ये गेम को पूरा देखना बहुत मजा आएगा ब्रेक हिट हो तो चुकी है लेफ्ट की पक पॉकेट हुई है लेफ्ट की पक को सिंपल खेलेंगे अब इस राइट की पक को भी संभाल के खेलेंगे क्योंकि हमारा जो फेवरेट शॉट है वो रखा हुआ है अभी जो हमारा शॉट है हम वो मारेंगे सामने वाली पक पॉकेट हो जाएगी क्योंकि कनेक्शन भी बना हुआ है अभी देखिए हमको बोर्ड कैसे फिनिश करना है आर प्लानिंग क्वीन को खेलते हैं क्रॉस सारे पक जो है वह हमारे पास आ चुके हैं सिंपल तरीके से यूटिलाइजेशन प्रॉपर रखो प्लानिंग प्रॉपर रखो पक सिलेक्शन प्रॉपर रखो हर बोर्ड आप आराम से फिनिश मार सकते हो ये सुबह के पाँच बजकर आठ पाँच बजकर आठ आठ मिनट हुए हैं इस टाइम पर मैं गेम खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मेरे वीडियो एडिटर्स लगातार मुझे बोलते रहते हैं भाई गेम बनाओ गेम बनाओ गेम बनाओ सो नाउ आई विल ट्राई के मैं रेगुलरली गेम लाऊँ पाँच गेम हमारे पूरे हो चुके हैं होप यू पीपल हैव लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर लविंग मी लाइकिंग मी एंड सपोर्टिंग मी मे गॉड ब्लेस यू ऑल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच गाइज